बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। संजीव हंस फिलहाल ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं और इनके ऊपर रेप जैसे संगीन आरोप भी लग चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने देश भर के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक गुलाब यादव और सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ भी ईडी ने एक्शन लिया है। गुलाब यादव के साथ साथ ईडी की टीम ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना में दोनों के आवास पर ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। संजीव हंस के साथ साथ राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ऊपर एक महिला ने 4 साल पहले रेप का आरोप लगाया था। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।